जम्मू से कांग्रेस के उम्मीदवार योगेश सानी जी समय हमारे साथ हैं। योगेश जी, क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने आज जम्मू में एक रैली की है, क्या कितना मनोबल बढ़ेगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का? बहुत बड़ा एक जो बातें हम लोगों के बीच लेकर जा रहे थे कि भी स्मार्ट मीटर का मुद्दा, स्टेटहुड का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, राहुल जी ने आज अपने भाषण में ये बात कही। उनकी बात सिर्फ कहना नहीं होता, वादा पूरा करना होता है। जहाँ जहाँ भी राहुल जी ने अपनी गारंटी जो है लोगों को दी है, चाहे कर्नाटक हो चाहे कहीं भी हो, राहुल जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। और मैं उम्मीद है कि लोगों के दिल में ये बात बैठी है, वो इस रैली का बहुत बड़ा असर पड़ेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और नीचे कांग्रेस और अलायंस के कैंडिडेटों की जीत। जम्मू इसमें क्या हलचल चल रही है, जम्मू इसमें क्या चल रहा है, जम्मू इसमें किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? आप बेहतर से जानते हो क्योंकि आप तो लोगों के बीच में रहते हो। लोगों का प्यार, साथ, सहयोग जो मुझे 2002 में मिला, मुझे उससे ज्यादा प्यार, सहयोग जो इस टाइम दिखाई दे रहा है लोगों के बीच में। और हमने वादा किया है कि मुझे स्मार्ट मीटर नहीं लगे काट के फेंकेंगे, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देंगे, स्टेटहुड का मुद्दा तो सबसे पहले मैंने पहले भी कहा था, और साथ में ये जो पेंशनें जो इन्होंने बंद की है उन पेंशनों को भी हम लागू करेंगे। और गरीब आवाम के लिए जो राहुल जी का जो सपना है और जो मैंने अपने इलाके में देखा है, मैं तो इसलिए अपने भाषण में क्या मुझे शर्म महसूस होती है, वो कौन से विधायक थे जो जम्मू नगरोटा या उसके आसपास के इलाकों को रिप्रेजेंट करते थे, कि जहाँ आज भी मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हैं, कनेक्टिविटी नाम की चीज नहीं, पानी भी आज भी उनको नसीब नहीं हो रहा। वो मुझे लगता नहीं कि वो आजादी में जी रहे हैं, वो तो मुझे लगता है 21वीं सदी में नहीं, 19वीं 20वीं सदी में रहे। और हमने वादा किया है कि उनके बीच बैठकर जहां जहां उस गांव में हम गए हैं वहां के बीच बैठ के उनसे पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ना कि हम जम्मू शहर से बैठ के उनका फैसला। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि स्टेट हम वापस दिलवाएंगे, लेकिन अमित शाह कहते हैं जो चीज हम दे चुके हैं तो उसे किस तरह से आप लेंगे, जो हम दे चुके हैं स्टेट, तो हमने कहा कि हम देंगे। मुझे बताएं कब उन्होंने स्टेट हमें दी है? उनका हमने पार्लियामेंट से अनाउंसमेंट किया कि हम दे देंगे उचित समय आने पर देंगे। उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द, वो जल्द कब आएगा? उचित समय आने पर दे देंगे। उचित समय नहीं तो और कौन सा समय है? आपने वंचित रखा लोगों को जम्मू कश्मीर को, भाजपा के लोगों ने किस मुंह से वोट मांगने के लिए ये लोग जा रहे हैं? वंचित किया उन्होंने, हमारे स्टेट हुड छीनी है जो हमारे पूर्वज थे जिनकी ये जिन्होंने ये रियासत खरीदी थी, फुल फ्रेज रियासत थी, उसके टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, दो यूनियन टेरिटरीज बना दी। इनको तो शर्म आनी चाहिए लोगों के पास वोट मांगने जाने के लिए, लेकिन वादा किया राहुल जी ने और हम राहुल जी के सिपाही इस वादे को पूरा करें। आपको क्या लगता है कि कौन है टक्कर में आपके अपोजिशन में? मुझे कोई दिखाई नहीं देता अपनी टक्कर में। आप जीतेंगे वहां से, निश्चय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। और सभी जो प्रत्याशी खड़े हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की है चाहे कांग्रेस की है, ये गठबंधन कैंडिडेट जीतेंगे और सरकार निश्चय गठबंधन की। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश सानी बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू ईस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी योगेश सानी जी इस समय हमारे साथ है। उन्होंने दावा किया है कि एक तरफा जीत जो है वो कांग्रेस की होने जा रही, लेकिन इंतजार वही 8 तारीख का, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। नमस्कार।